हेलो, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशो इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में या मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, हम सिंपलेस्ट वे में बताना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ होती है, ताकि प्रॉब्लम करते समय जो लर्नर्स हैं उनको दिक्कत नहीं हो। उसके लिए बेसिक्स बता रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं डिटेल में तो बताएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। देखो, समझने के लिए अपन ऐसा मान सकते हैं कि जैसे थ्री डायमेंशनल स्पेस में ओरिजिन है, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 होते हैं, राइट। और अपन यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस में एक ये मान सकते हैं कि एक डब्बा रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, राइट, इस तरह से। और उसका जो डायगोनल का अपोजिट डायगोनल, ओरिजिन के अपोजिट डायगोनल वाला पॉइंट है, उसकी कोऑर्डिनेट है ABC, ठीक है। ABC जस्ट कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ही है। और ये जो डिस्टेंस है जिसको अपन बोलते हैं आर, है ना, वो भी डिस्टेंस को अपन बोल रहे हैं आर। तो जैसा अपन जानते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूले से, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूले से क्या कोऑर्डिनेट होगा। अब अगर हम इसका एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल अल्फा मान लें, वाई एक्सिस से बना हुआ एंगल को बीटा मान लें, और जेड एक्सिस से बना हुआ एंगल वो भी ऐसी कुछ है, इक्विटी है, जैसे अल्फा बीटा और से गामा, तो दिखेगा नहीं ऐसा, मतलब तो ये ऐसा गामा है। तो अगर हम ये अल्फा बीटा गामा के कोसाइन ले लें, मतलब कॉस थीटा ले लें, तो हम इसको बोलते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। मीन्स एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। अब डायरेक्शन कोसाइंस अगर है तो इसका वैल्यू कितना होगा, वो निकालने के लिए होता ना बेस, दिस इज बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बी अपॉन हाइपोटेन्यूस, सी अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब देखो तीनों को जब इससे करके जोड़ोगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, और इसका अपन क्या हो सकते हैं, आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, यहाँ देखो आर स्क्वायर है ना, वन मीन्स एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर को हम वन बोलते हैं, और एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। इतने पार्ट को आप देख सकते हो, राइट। आप देखो डायरेक्शन कोसाइंस और एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का वैल्यू आ गया। एक बात और, इनका जो कॉस स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा को हम वन बोलते हैं। कॉस स्क्वायर को वन बाय साइन स्क्वायर अल्फा, वन बाय साइन स्क्वायर बीटा, वन बाय साइन स्क्वायर बीटा गामा लिखोगे तो एक और रिजल्ट आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा को क्या लिख सकते हैं, टू करके देखना बनेगा ये, ठीक है। दो चीज़ें अब आते हैं अपन डायरेक्शन रेशो में। डायरेक्शन रेशो क्या है, देखो अपन ने अभी पढ़ा था एल ए आर है, इसका मतलब एल अपॉन ए आर है, एम अपॉन बी वी आर है, एन अपॉन सी वी आर है। तो इसका मतलब एल एम एन आपस में एक पर्टिकुलर रेशो में है, और जो रेशो में है इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशो, डी आर, राइट। डी आर मीन्स इनका आपस में पर्टिकुलर रेशो हो, ये डायरेक्शन रेशो होता है। तो कुल मिला कि जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो उनको कॉमा कॉमा लगा दो तो बन जाते डायरेक्शन रेशो, और डायरेक्शन कोसाइन के लिए कॉस ऑफ थीटा होता है, कोसाइन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस से बने हुए एंगल का कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन होता है, राइट। अब देखो अगर हमारे पास कोई लाइन है थ्री डायमेंशनल स्पेस में, एक दो कोऑर्डिनेट रखने वाली लाइन है, ए वन बी वन
फंड है क्या का, तो जो डीआर साहब ए भी होंगे लाइन ए भी वो होंगे ए टू माइनस ए वन, बी टू माइनस बी वन और सी टू माइनस सी वन, राइट। यहाँ पर डायरेक्शन रिसोर्स हो गए। अब अपन को इनसे डायरेक्शन कोसाइंस निकालना चाह रहे हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हीं में से स्क्वायर डिवाइड करना है, मीन्स ए टू माइनस ए वन अपन रूट ए टू माइनस ए वन का स्क्वायर, बी टू माइनस बी वन का स्क्वायर, सी टू माइनस सी वन का स्क्वायर। ऐसे बी टू माइनस बी वन अपन सेम रूट इतने रूट लिखेगा और सी टू माइनस सी वन अपन सेम रूट डिवाइड कर देगा, ठीक है। इस तरह डायरेक्शन रेशियो का ए भी आ जाएगा। इसके बाद अगर हमारे पास दो लाइन है और वो आपस में पैरेलल है, पैरेलल लाइंस, और हमको निकालना है उनके पैरेलल होने की कंडीशन, इनकी डी आर ए टू बी टू सी टू है और ए वन बी सी वन है, राइट। तो ए वन अपान ए टू, बी वन अपान बी टू और सी वन अपान सी टू जब रहता है तो वो कहला जाते हैं आपस में पैरेलल। और अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसी हैं ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, तो सी कंडीशन क्या होती है, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू जीरो, राइट। और इसके अलावा अगर दोनों के बीच हमको एंगल निकालना है, एंगल निकालना है, हाँ, तो एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, एंगल के लिए ऐसा है ऐसा है ए वन बी वन सी वन, राइट, ए टू बी टू सी टू है और एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा हो जाएगा ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू अपॉन रूट ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन का स्क्वायर, फिर इससे ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर, इससे हम एंगल निकाल सकते हैं, राइट। तो ये एक मेथड था हमने इस तरह से कर सकते हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको फॉर्मूले को पढ़ना और फिर प्रॉब्लम में अप्लाई करना, ओके, नोट कर लो।